वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन गुरु में। दोस्तों, मैं विवेक चौधरी, आवाज आ रही है सभी को? एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएं आवाज आ रही है। गोपाल, अंजलि, चंद्रवीर, गेमिंग, शुभम, गुड इवनिंग सबको। एस के जाट, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग सबको, नमस्कार, वंदे मातरम। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर ये क्लास डेली 8 बजे होती है, जिसमें हम आप लोगों को एक प्रैक्टिस सेशन करवाते हैं। और प्रैक्टिस सेशन आपका एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे, इन सभी एग्जाम्स को टारगेट करते हुए चीज़ों को हम कराते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि हमारी एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है कंपटीशन गुरु। प्ले स्टोर पे आप सर्च कर सकते हैं, वहां से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप लोग जो चैट बॉक्स चल रही है यहां पे आप क्लिक करेंगे और यहां लिखेंगे आप APP ऐप, तो भी आपके सामने एप्लीकेशन का लिंक चला जाएगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों, उस एप्लीकेशन पर एक बैच आया हुआ है, रीजनिंग स्पेशल बैच आया हुआ है, जिसका नाम है रीजनिंग स्पेशल 6। बहुत ही बढ़िया बैच है, बहुत ही कारगर बैच है, रीजनिंग स्पेशल 6 बैच के नाम से है। लाइव क्लासेस प्लस VOD क्लासेस इसमें होंगी आप लोगों के लिए। प्यारे दोस्तों, इस क्लास का जो टाइम है वो थोड़ा चेंज कर दिया है हमने। आप डेली ये क्लास शाम को 6 बजे कर सकते हैं लाइव, और अगर आप लाइव क्लास को नहीं देख पाते हैं तो लाइव ही क्लास को आप रिकॉर्डेड फॉर्म में बाद में कितनी भी बार 1 साल तक देख सकते हैं किसी भी क्लास को, ठीक है। इसमें आपको वैलिडिटी मिलेगी 1 साल तक की, और लगभग 3.5 महीने में कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और ये टारगेट करेगा आपका SSC, रेलवे, बैंकिंग और CSAT या स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम है, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, इवन सारे के सारे एग्जाम्स को। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ, फीस कितनी है? फीस इसकी है मात्र 499 रुपए। वैसे इसकी जो फीस है वो 1996 रुपए है, लेकिन टोटल आपको 75% डिस्काउंट के साथ ये मिल रहा है, तो मात्र 499 रुपए इसकी फीस भी है, ठीक है। 1 साल तक के लिए 499 रुपए आपको केवल देने पड़ेंगे, ना कि मंथली, ठीक है। चलिए, आर्मी लवर सूरज, क्वेश्चन को आपकी स्क्रीन पर लगाते हैं, आप ध्यान पूर्वक समझेंगे क्वेश्चंस को और तुरंत आंसर करेंगे। हमारे आज की इस क्लास में टोटल क्वेश्चंस की जो संख्या है वो 25 है, जैसा डेली रहती है, और 25 में से आपको 23 प्लस क्वेश्चंस के आंसर अवश्य करने हैं, जरूर करने हैं, ठीक है। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं प्यारे दोस्तों। सर जी, आज के तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन कराओ, कल कराएंगे, आज की शिफ्ट के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो कल कराएंगे। आज मेरे पास अभी PDF आ तो गए हैं क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन की जो PDF है वो तैयार नहीं हो पाई है, कल हम वो क्वेश्चन जरूर कराएंगे आपके आपके लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा, आप तुरंत आंसर करें सभी, और इसका आंसर करें जल्दी से, बताएं क्या होगा इसका आंसर, बताइए। बहुत खूबसूरत प्रश्न है, तुरंत आपका आंसर आना चाहिए। साइड में हट जाता हूं मैं। देखिए प्यारे दोस्तों, ये जो वॉइस है भौंकना, ये आवाज है वो कुत्ते की होती है, कुत्ते का जो आवाज होती है वो भौंकना होती है। उसके बाद अगर हम गौरैया की बात करें तो गौरैया क्या करता है, तो ऑप्शन नंबर है इसका D, चू चू करना इसका काम होता है गौरैया का। नहीं, ये क्लास एप्लीकेशन पे लाइव नहीं है, एप्लीकेशन पे ओनली पेड क्लास लाइव होती है, ठीक है। बैच लेना है आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, इस पे डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजेंगे तो आपको मैं लिंक दे दूंगा व्हाट्सएप उसकी एप्लीकेशन की, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सर, मैंने आज SSC GD का एग्जाम दिया था और रीजनिंग की तैयारी आपके चैनल से किया था, बहुत अच्छा लगा। ओके, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका भला हो, भगवान आपका भला करे। अगला प्रश्न है, देखिए ध्यान से, बहुत सुंदर सा प्रश्न है, आप इसका आंसर देखिए, आंसर दीजिए और बताइए। आरजू, मुकेश, संतोष कुमार यादव, वेरी गुड, भूपेंद्र, अंजलि, इसका आंसर दें, थैंक यू वेरी मच, सिद्धार्थ, सिद्धेश, ओके। देखिए,
आपको निम्नलिखित प्रश्न के दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुने, संबंधित अक्षरों को चुने, यानी अगर ई एल क्यू जेड का मतलब है ए जेड ओ वी तो वी एक्स टी डी का मतलब क्या होगा, जल्दी से बताएं फटाफट। हाँ जी, तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, आप आंसर दे रहे हैं, मैं उससे पहले बताऊं कि जो ई बना हुआ है ना, ई, ई फॉर एलिफेंट, ये सीधा वापस चला गया किसके पास, वी के पास। उसके बाद एल जो है वो चला गया किसके पास, ओ के पास, ये अपोजिट लेटर है, अपोजिट लेटर है। उसके बाद क्यू का अपोजिट जे है और ए का अपोजिट जेड है। अच्छा, इसकी कुछ ट्रिक बता देता हूं, कैसे ट्रिक आपको याद रहेंगी इनके अपोजिट्स की। तो अपोजिट की याद रखने के लिए आप पहला शब्द यूज करेंगे एल ओ वी ई, लव, प्यार मोहब्बत, दिल का खेल, ठीक है। तो लव आप लिखेंगे तो एल का अपोजिट, एल का विपरीत क्या है, ओ, ध्यान रखेंगे, कभी भी एल का विपरीत आपसे पूछेगा तो ओ होगा, ऐसे वी का विपरीत आपसे पूछेगा तो ई होगा। दुनिया के किसी भी अक्षर को, लेटर को, शब्द को आप भूल सकते हैं, लेकिन जीवन में आप लव, प्यार को नहीं भूल पाओगे। एल का अपोजिट ओ और वी का अपोजिट ई है। तो यहां देखो ई का अपोजिट क्या है, ई का अपोजिट है वी, तो देखो यहां पे वी है और एल का अपोजिट ओ है, बिल्कुल ठीक। आप देखो यहां से जे का अपोजिट क्यू या क्यू का अपोजिट जे, तो जे और क्यू कैसे याद करोगे, आप ध्यान रखेंगे जंगल क्यून, जंगल में एक रानी होती है, क्या कह रहे हैं, महलों में होती है रानी। अच्छा, तो इसको छोड़िए, आप ये कह सकते हैं जेब कतरा, जेब कतरा, क्यू यू टी आर ए, जेब कतरा, याद रहेगा, जे से अपोजिट क्यू है, जेब कतरा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, यहां पर है जेड, मैम जब सुबह सुबह जाते थे बेटा ए टू जेड काम करके लाए हो, जी सर ए टू जेड, जी मैम ए टू जेड काम करके लाए हैं, तो ए का अपोजिट क्या है, जेड, ए टू जेड आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो आप जानते हैं, मैंने अभी अभी बताया है आपको, क्या बताया, इसको बिल्कुल लास्ट में लेके जाएंगे, बिल्कुल लास्ट में, तो वी का अपोजिट क्या है, वी ई, ई अपोजिट है, तो लास्ट में आपको देखना है ई किस, अरे क्या खुल गया, ई लास्ट में किस में है, तो ई लास्ट में सभी में है, बात नहीं बनेगी। उसके बाद देखो यहां एक्स का अपोजिट क्या होता है, आपने कभी छोटे बच्चों के क्रैक्स खाए हैं, क्रैक्स जो आते हैं कचरी टाइप का आता है, सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स, क्रैक्स, ऐसे करके कर सकते हैं क्रैक्स, तो सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स, तो सी का अपोजिट आप याद रखेंगे किससे, एक्स से, तो सी का अपोजिट एक्स आएगा और एक्स का अपोजिट सी आएगा, तो सी यहां पे होगा। उसके बाद आया क्या, टी, टी, तो टी को कैसे याद रखेंगे, शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया एक खूबसूरत सा रोड, सड़क, रोड, कौन सा रोड था, जी टी रोड, जी टी रोड, तो जी टी रोड से क्या याद रहेगा, जी टी रोड से याद रहेगा जी का अपोजिट क्या है, टी है, तो आप देखेंगे टी का अपोजिट क्या है, जी है, जी, तो ई सी जी, पीछे से ई सी जी यहां पर है, यहां और कहीं नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यही है, ठीक है। अब एक पॉइंट और याद रखना यहां से, कि आप इसका अपोजिट कैसे याद रखें, डी का, डी का अपोजिट कैसे याद रखेंगे, तो डी का अपोजिट याद रखने का है, डी का अपोजिट होता है डब्लू, तो एक बहुत ही सुंदर सा शब्द है, वैसे तो सुबह सुबह जब आप शहर में रहते हैं, गांव के लोगों को तो जरूरत नहीं है दूध वाले की, लेकिन शहर में अगर आप रह रहे हैं तो आपको दूध की जरूरत होती है, तो डी डबल ओ डी, दूध, एच कर लेना, दूध वाला, डब्ल्यू ए एल ए, तो डी का अपोजिट क्या है, डब्ल्यू, दूध वाला, याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिएगा भाई, ये है आपकी स्क्रीन के ऊपर, खूबसूरत प्रश्न है, बताइए इसका आंसर, जल्दी शेयर कर दो एक बार, टेस्ट, मुझे टेस्ट सीरीज चाहिए, अरे एप्लीकेशन पे टेस्ट सीरीज है, लेकिन अभी फ्री वाली डाली हुई है, पेड हमने नहीं डाली अभी, अभी हमारे पास थोड़ा समय की दिक्कत है तो क्वेश्चन नहीं बन पाए हैं, पेड बहुत जल्दी उस पे टेस्ट सीरीज लग जाएगी, आप ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है। चलिए, बहुत ही सुंदर जोरदार धमाकेदार प्रश्न है, आप बताएं, अगर 40 को 100 लिखा गया है तो 56 को क्या लिखा जाएगा, बताइए। गगन, जानवी, मिश्रा जी, आप जल्दी से इसका आंसर करें, तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि इस 40 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें किससे, बताओ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो बोलो, अरे बोलो भैया, किससे मल्टीप्लाई करें, 5/2 से, वेरी गुड, 5/2 से मल्टीप्लाई करो, 5/2 से, तो 2 से कितनी बार, 20 बार, तो 20 × 5 = 100, चलिए नेक्स्ट। उसके बाद नितिन, और देखिए आगे, यहां पे 56 लिखा हुआ है,
तो 56 को भी आप मल्टीप्लाई करें, 56, अरे क्या लिख दिया ये, 56 को भी मल्टीप्लाई करें 5/2 से, तो आप इसको जब काटेंगे यहां से तो कितनी बार कटेगा, 2 × 4 और 2 × 8 = 16, 28 × 56, तो 28 × 5 कितने होते हैं, 28 × 5 = 8, 5 = 40, तो लास्ट में आएगा 0, और अगर लास्ट में 0 है तो इकाई अंक देखना है केवल, अगर पूरा भी आपको पहाड़ा नहीं आता है तो लास्ट का इकाई अंक 0 केवल ऑप्शन नंबर ए में है, तो 28 × 5 = 140 होते हैं। वेरी गुड, बहुत ही सुंदर, जोरदार। अगला प्रश्न आपके सामने, आपकी स्क्रीन के ऊपर खूबसूरत तरीके से लगा दिया स्क्रीन पर, जल्दी आंसर करें, फटाफट बताएं इसका आंसर जल्दी से। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए, पुस्तक, पेन, पेंसिल, मोमी रंग। मोमी रंग क्या होता है जानते हैं आप, छोटे छोटे थे तब मोम का रंग होता था, एक मोम वाले रंग लाओ, मोम के रंग, मोम मतलब एक रंग होते थे जिनके, जिनको एक तो पानी वाले रंग हुआ करते थे, एक हुआ करते थे मोम वाले, ऐसे उनको जो है पेन की तरह घुमाए चले जाओ और वो रंग करते रहते थे, रंगीन बना देते थे आपके पेपर को। बताइए, डी 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 लगा रहे हो भैया, डी डी नहीं है इसका, पुस्तक। ओके, गगन का करेक्ट आंसर है और अनुज का आंसर करेक्ट है, रंजीत का भी सही है, जो ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं वो सब ठीक है, इसका आंसर होगा पुस्तक। पुस्तक को छोड़कर के पेन, पेंसिल और मोम रंग, ये सब क्या है, ये लिखने के लिए यूज होता है, लेकिन अगर पुस्तक की बात करें तो पुस्तक लिखने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, बहुत ही सुंदर, जोरदार। अगला प्रश्न है, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, जल्दी से बताइएगा। हाँ, आज भी होते हैं मोम वाले रंग, जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको पानी वाले रंग नहीं देते, नहीं तो वो पूरी जो चित्रकला होती है ना, चित्रकला मतलब एक किताब आती थी, बुक टाइप की आती थी, खाली बनी हुई चित्रकला की, उसको पूरा एक पेज में पूरा पानी का रंग भर के उसको ऊपर से नीचे तक रंगीन कर देते थे, मतलब एक ही पेपर से पूरा नीचे तक रंगीन, तो उसको क्या करते छोटे छोटे बच्चे, मोम वाले रंग लाते हैं, जिससे कि जितना वो छेड़छाड़ करें उतना ही रंगीन हो, बाकी का रंगीन ना हो। हाँ, आपके पास रखे हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए, आप ध्यान देंगे यहां पे तो ड्राइंग, हाँ चित्रकला ड्राइंग एक ही बात है, तो देखिए यहां से ए से जेड, ए का अपोजिट क्या है, जेड, ए का अपोजिट ए टू जेड, मैम याद करवाएंगे ए टू जेड, ए का अपोजिट जेड, और जेड से आप चलेंगे एफ तक, जेड के बाद ए बी सी डी ई एफ, तो यहां पे प्लस के 6 हो रहे हैं, जेड से 6 प्लस हो रहे हैं, यहां चलो एल का अपोजिट ओ है, ठीक है, ओ से चलेंगे ओ पी क्यू, यहां तो प्लस के 3 हो रहे हैं, आगे एक और देख, यहां से देखेंगे ई का अपोजिट वी है, ठीक है, वी से जे तक चलेंगे तो माइनस हो रहा है, ये तरीका नहीं लग रहा, दूसरा तरीका लगाओ, दूसरा तरीका है ए से जेड तक तो अपोजिट है, लेकिन अभी ए से एफ तक चलो कितने प्लस हो रहे हैं, प्लस के हो रहे हैं 5, एक में अगर 5 ऐड करेंगे तो 6, एफ 6 नंबर पे होता है, उसके बाद एल का अपोजिट ओ है, ठीक है, ओ से आप प्लस के 5 करें तो क्या क्यू आएगा, ओ के बाद पी क्यू आर एस टी, एल के बाद एम एन ओ पी क्यू, कितना आएगा 5 प्लस करने पर क्यू आ रहा है, क्यू आ रहा है, वेरी गुड। ओके, उसके बाद देखो ई से वी हुआ और ई से जे तक जाएंगे, ये 5 नंबर पे होता है ई और ये 10 नंबर, 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, क्या हो गया ई, ठीक है, उसके बाद जेड का अपोजिट ए है और जेड से आप अगर सी तक चलते हैं तो जेड के बाद ए बी सी, प्लस के 3 करने पर आ रहा है, तो हर जगह पर प्लस के 5 करने पर, यहां भी प्लस के 5 करें, यहां भी प्लस के 5 करें, लेकिन यहां प्लस के 3 करें हमने, तो सबसे अलग क्या है, ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड अंजलि, बहुत बढ़िया। एक बार सभी मेरे दोस्त क्लास को, सेशन को शेयर कर दें, प्यारे दोस्तों फटाफट से आप शेयर कर दें एक बार क्लास को और फिर दोबारा से वापस आए, जल्दी शेयर करें पहले फिर आए। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, जल्दी बताइए, आप लॉजिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं विदाउट पेन और पेपर, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं, बहुत ही सुंदर है। हाँ जी बताइए, बोलो, शेयर करो जानवी, थैंक यू। देखिए भाई, आपको 41, 22, 63, 93, 82, 44 और उसके बाद है 83, 64, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इसका। मेरे प्यारे दोस्तों,
आप देखेंगे यहां से चार का मल्टीप्लाई एक बार करेंगे तो चार का गुणा एक में करेंगे, चार एकम चार, और दो का गुणा दो में करेंगे तो दो दुनी चार, इनका गुणा आपस में करना है, इनका गुणा आपस में करना है, तो चार एकम चार, दो दुनी चार, यानी कि यहां भी चार और यहां भी चार, ठीक है। और देखो आठ दुनी सोलह, और यहां इनका मल्टीप्लाई चार चौक सोलह, बराबर आ रहे हैं ना, बराबर आ रहे हैं, चार चार सोलह सोलह, ठीक है। उसके बाद देखो ऑप्शन नंबर इसको देखो, आठ तीन चौबीस बराबर छह चौक चौबीस, बराबर आ रहा है, और छह तीन अठारह और नौ तीन सत्ताईस, तो यहां पे बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर दो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे भाई, ये रहा, ये आपको सीक्वेंस में सेट करना है, बताइए इसका। मेरा भी सही है मुकेश बिश्नोई, ओके भाई मुकेश, ओके। कंचन गुप्ता सर डी आंसर है, ओके नेक्स्ट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अरे शेयर करो भाई जल्दी, बोलो बोलो कुछ तो बोलो। निम्नलिखित शब्दों में शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इन्हें शब्दकोश के अनुसार अगर लिखा जाएगा तो सबसे पहले कौन आएगा, देखो आप यहां पे है सी ए डी ए, यहां सी ए डी है, डी डी डबल डी ये तो नहीं आएगा, डी यू नहीं आएगा, डी डी नहीं आएगा, डी ई नहीं आएगा, तो सबसे पहले नंबर पे एक ही नंबर आएगा, तो एक ही नंबर आप देखेंगे तो ना तो तीन में है ना चार में है, तो या तो ऑप्शन नंबर एक है या ऑप्शन नंबर दो है। इसके बाद देखो, उसके बाद देखो इसमें भी दो नंबर दे रखा है और यहां भी दूसरे नंबर पे दो नंबर है, दो नंबर तो आएगा ही आएगा, तो एक और दो को हटा दो, एक को भी हटाओ दो को भी हटाओ। अब देखो पांच नंबर पहले आएगा या चार नंबर, ऑप्शन में लिखा हुआ है या तो चार आएगा पहले या पांच आएगा, देखो चार और पांच को चेक करो, तो इसको और इसको चेक करो, तो सी ए डी ई है यहां पे, यहां सी ए डबल डी है, तो डबल डी पहले आएगा ना, चार चार है ये चार पांच है, तो पहले चार नंबर आएगा, तो चार नंबर पहले आया तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। बताइए राहुल चौहान, शेयर करने नहीं आता, तो भैया हम आपसे नहीं बोल रहे आप शेयर करो, जिनको लग रहा है कि शेयर करनी चाहिए क्लास, आप दोस्तों तक आपके फ्रेंड्स तक भी ये क्लास पहुंचे तो जरूर से शेयर करो, अगर लग रहा है नहीं पहुंचनी चाहिए तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगला प्रश्न ये रहा, इसको पढ़िए और आंसर कीजिए, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, बहुत ही सुंदर खूबसूरत प्रश्न है, बताइए। यहां से आप जाएंगे ए से लेकर के एफ तक, तो एक और पांच छह तो प्लस के पांच हो रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए एफ से के यानी कि पांच से हुआ ग्यारह, तो आप छह से हुआ ग्यारह, छह और पांच ग्यारह, प्लस के पांच हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक, तो यहां पे भी पांच ऐड कर दो, ग्यारह और पांच सोलह, सोलह का मतलब पी, तो अब आएगा यहां पे पी, और पी दो ऑप्शन में या तो तीन में या दो में, ये ऑप्शन तो हो नहीं सकते। उसके बाद सी से हुआ एच, तो प्लस के कितने हो रहे हैं, तीन, पांच और तीन आठ, और आठ में पांच ऐड करेंगे तो तेरह, तो तेरह में पांच ऐड करेंगे तो अठारह, अठारह पर क्या आएगा आर, तो पी आर भी आ गया। उसके बाद ई, ई में पांच ऐड करेंगे, पांच और पांच दस, दस और पांच पंद्रह, पंद्रह और पांच बीस, बीस पर क्या होता है टी ट्वेंटी, पी आर टी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड। नितिन, शिवम, भूपेंद्र, अंजलि, सर ऐप पर लाइव क्लास कितने बजे होता है, छह बजे होता है भाई, शाम छह बजे, शाम को छह बजे एप्लीकेशन पे क्लास होती है, इसका आंसर करें, बताइए फटाफट से जल्दी से स्पीड से। एसएससी जीडी वालों के लिए कुछ इंपोर्टेंट जो पेपर में आने लायक हो, ये जो पढ़ाया जा रहा है सब पेपर में आने लायक है ये। चलिए बताइए जल्दी से, देखिए आप यहां से 9 से मल्टीप्लाई करें तो 9 से अगर दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 18 और 18 चौक 72, तो यहां से मल्टीप्लाई दो बार, यहां से चार बार, और 72 अट्ठे 576 और यहां गुणा करेंगे 16 में, यानी कि 576 गुणा 16 कितना हो जाएगा, 6 छिंग 36, लास्ट में 6 आएगा, सब में 6 आ रहा है, तो पूरा कर लो आप भाई, 576 में 16 से भाग करो तो ये लास्ट में एक आ गया, ये भी सब में है, तो शुरुआत में देखो 16 पंजे 80 81 82, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, कैरी आ गया 91 और 92, तो हमारा 92 से 16 आएगा,
कैरी भी तो आएगा 92 से 16, तो ऑप्शन नंबर है हमारा कितना 92 से 16। अगर नहीं हो पा रहा है ऐसे तो आप क्या कर सकते हैं 576 गुणा 16 ऐसे कर लो, आंसर आएगा 92 से 16। ठीक है, बात समझ में आ गई, बहुत ही सुंदर जोरदार। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा आपके सामने, पढ़िए ध्यान से और आंसर कीजिए इसका। थोड़ा नीचे करता हूं, थोड़ा ऊपर दिख रहा है ज्यादा ना, करिए इसका आंसर। बताएं, सर जो आपने सिखाया है उसमें से ही मेरा एमटीएस का पेपर आया था। बिल्कुल, थैंक यू, धन्यवाद इतना बताने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आर्मी लवर संदीप कुमार, अंजलि शर्मा, नितिन रोहतास सिंह, देखिए मेरे भाई, पूनम अक्षय से कहती है, क्या कहती है पूनम अक्षय से कहती है, कल उसने अक्षय की इकलौती बहन की पुत्री स्नेहा को विद्यालय स्तर के ताइक्वांडो प्रतियोगिता में हराया था, अक्षय स्नेहा से किस प्रकार संबंधित है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है और बहुत आसान भी है। बताइए, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को करने का एक आसान सा तरीका यह है कि आप देखियो, देखो यहां पे कह रहा है पूनम अक्षय से कहती है, क्या कहती है कि कल उसने अक्षय की इकलौती बहन, कल उसने अक्षय, ये भाई साहब हैं अक्षय कुमार, ये अक्षय हैं, अक्षय की इकलौती बहन, ये अक्षय की इकलौती बहन है, अक्षय की इकलौती बहन की पुत्री, की पुत्री स्नेहा, ये स्नेहा है, क्या नाम है इसका, स्नेहा, इसका नाम है स्नेहा, ठीक है, स्नेहा है, तो आपसे कह रहा है कि विद्यालय स्तर को ताइक्वांडो प्रतियोगिता में हराया था, अक्षय स्नेहा से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि स्नेहा से अक्षय की तरफ चलो, ये अक्षय कुमार हैं, यहां से यहां तक चलो, कौन है ये, देखो ये इसकी मम्मी है, स्नेहा की माताजी है, ये माताजी के भाई हैं, और माता के भाई, माँ और माँ, क्योंकि माँ के भी भाई, डबल माँ, तो माँ और माँ कौन होते हैं, मामा, क्लियर है, तो आंसर क्या हुआ, मामा, क्लियर हुआ सबको, कोई दिक्कत। अगला प्रश्न देखिए, यहां आंसर दीजिए, देखो विदाउट पेन पेपर, आपको पेन नहीं छेड़ना, पेपर भी नहीं छेड़ना, देखो लड़कों की एक पंक्ति में तारक पंक्ति में दोनों छोरों से 18वें स्थान पर है, पंक्ति में कितने लड़के हैं, इधर से भी 18, इधर से भी 18, पंक्ति में व्यक्ति, आंसर कैसे निकालेंगे, एक ट्रिक होती है लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, ये टोटल व्यक्ति निकालने के लिए होती है, कुल व्यक्तियों की संख्या अगर हमें निकालनी है तो दोनों तरफ से 18 है, लेफ्ट से भी 18, राइट से भी 18, माइनस एक करेंगे आंसर आ जाएगा, 18 × 36 माइनस एक बराबर 35 आंसर आएगा, तो 35 हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर जोरदार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एक बार शेयर करो सभी भाई, क्लियर है, सुंदर सुंदर सुंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको ध्यान दीजिए, आपसे कह रहा दिए गए प्रश्न में निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता, कौन सा नहीं बनाया जा सकता, बताओ, बोलो जल्दी से, कौन सा नहीं बनाया जा सकता, बताएं गाइस प्लीज, एक बार सभी शेयर कर दो जल्दी से, तो आपका आंसर क्या होगा यहां पे, ऑप्शन नंबर डी, सॉल्व, सॉल्व में देखो तो एक वी आ रहा है और वी इसमें कहीं नहीं है, एब्सोल्यूट में कहीं भी वी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, ये नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बताइए इसका आंसर क्या है, जल्दी से पढ़िए और आंसर कीजिए जल्दी से, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लग रहा है मेरे को देखने में, तो इसको लिखना पड़ेगा, मैं लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं ना, इधर आपके सामने है ओ पी टी आई एम आई एस टी, और आगे कह रहा है आपसे एल के आर एन आर जी एच जी, तो आपको अब क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपसे पूछ रहा है कि इसका मतलब तो इससे है, तो आपसे पूछ रहा है पी ई डबल एस आई एम आई एस टी का कोड क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लग रहा है यहां तक तो आप समझ ही जाओगे सभी। देखिए नेटवर्क प्रॉब्लम है सर जी, अरे यहां से ठीक चल रही है क्लास, आपकी तरफ से होगा, देखो एल का ओ का अपोजिट एल, एल ओ वी ई मैंने बताया था आपको, ठीक है, पी का अपोजिट पी के और टी का अपोजिट जी होता है, यहां तक तो काम नहीं करेगा, लेकिन पीछे चलो, टी का अपोजिट जी, एस का अपोजिट हाई स्कूल,
इतना तक तो ठीक ही है ना। आगे चलिए, इस पहले वाले का अपोजिट क्या आएगा, पी का अपोजिट के, ई का अपोजिट वी ई, तो वी के वी, तो स्टार्टिंग जो होगी के वी से होगी, तो ऑप्शन नंबर चार ही है। उसके बाद एस का अपोजिट क्या होता है, हाई स्कूल। जी का अपोजिट क्या होता है, जी टी रोड, ये हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर चार है, लेकिन पूरा सॉल्व करो तो पूरा कैसे सॉल्व होगा, जरा ध्यान दो, पूरा सॉल्व कैसे होगा बताओ, कैसे सॉल्व होगा, किसी को आ रहा है समझ में? देखो यहां, देखो पहले से तीसरा बिल्कुल चेंज हुआ। देखो यहां पर क्या था, टी का अपोजिट जी था, तो यहां पे एस का अपोजिट क्या होगा, हाई स्कूल, तो एच आ जाएगा। फिर यहां लास्ट वाला देखो, स्टार्टिंग में आया लास्ट वाला, देखो यहां पे आई का अपोजिट क्या है, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, तो आई का अपोजिट आर। उसके बाद देखो इसका, इंडियन रेलवे और एम का अपोजिट एन, तो यहां देखो एस का अपोजिट हाई स्कूल, सॉरी एच आएगा, एच बैक करो, एक और एच आएगा, और यहां एम का अपोजिट एन, और यहां पे अब बीच में कोई लेटर नहीं है तो इसको बिल्कुल सीधा लिख दो, आई का यहां पे इंडियन रेलवे आर आएगा, ठीक है। तो ये देखो बात बन गई पूरी, हमारे केवल शुरुआत और लास्ट से ही सॉल्व हो रहा था प्रश्न, लास्ट से और शुरू से ही सॉल्व हो रहा था, लेकिन हम इस प्रश्न को पूरा भी कर सकते हैं, क्रॉस पैटर्न लगा हुआ है, अपोजिट करके, अपोजिट करके क्रॉस पैटर्न लगा हुआ है। थैंक यू नवीन, थैंक यू वेरी मच। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए इस प्रश्न को ध्यान से, क्या होगा इसका आंसर बताइए। आपसे कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में किन्हीं दो चिन्हों को परस्पर बदल दिए गए समीकरण को सही कीजिए, मतलब इस समीकरण को बदल दें तो कैसा, क्या करना चाहिए हमें, पाई चार्ट करा देंगे, करा देंगे। ये क्लास मैं फेसबुक पोस्ट पर डाल के आई और देखेंगे तो आएंगे, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार सभी भाई एक बार क्लास को लाइक और कर दें, सभी दोस्त लाइक कर दें एक बार। देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 14 नंबर का क्वेश्चन है। सर मेरे ऐप में लाइव क्लास नहीं चलता, तो कॉल कर लेना कल 10 बजे के बाद, तो देख लेंगे। इसको बताइए 14 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन सी आ रहा है गगन का, पेड कोर्स कब आएगा, अभी चल रहा है पेड कोर्स, 499 रुपये ऑफर भी चल रहा है उस पर, तो अभी आप बैच को ले सकते हैं 499 रुपये में, रीजनिंग स्पेशल। देखिए सभी एक बार शायर कर दो, शायर नहीं शेयर होता है, शेयर शेयर। देखिए यहां पर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है आप लोगों का, तो सी ऑप्शन देखो, चार यानी प्लस की, माइनस की जगह पर तो कर दिया जाएगा प्लस, ठीक है प्लस, और इस प्लस की जगह पर क्या कर दिया जाएगा माइनस, तो इस इक्वेशन को नई जगह पर लिख लो, 4 + 10 × 5 − 9 / 3 बराबर 51 आना चाहिए, तो 3 से इसको काटेंगे तो 3 से कटेगा, 3 × 3 = 9 माइनस 5 था 50 आ गया, ठीक है 50 आ गया, प्लस 4 तो 4 और 50 कितने हो गए 54, माइनस 3 कितने हो गए 51, तो बिल्कुल 51 ही तो आ रहा है, बिल्कुल सही है 51 आ रहा है आंसर, ठीक है वेरी गुड, बहुत ही सुंदर जोरदार, जिनका सी ऑप्शन है वो सही है सब। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताओ यहां पे है 12, 20, 16 बोलो बोलो बोलो, अरे जल्दी से बोलो मेरे भाई। ऐप का नाम क्या है जिसपे बैच मिलेगा, ऐप का नाम है कंपटीशन गुरु, COMPETITION कंपटीशन गुरु। जिस YouTube चैनल पे आप अभी वीडियो देख रहे हैं वो सेम लोगो उसमें लगा हुआ है सीजी वाला, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, यहां पे आप 4 का गुणा करेंगे 3 में, तो 4 × 3 = 12 और 4 × 5 = 20 और 4 × 4 = 16 तो पहले 4 × 3 हुआ, फिर 4 × 5 हुआ, फिर 4 × 4 हुआ, ऐसे देखो 7 × 3 करेंगे इस वाले के लिए, इस वाले के लिए 7 × 3 = 21 आ गया, 7 × 5 = 35 आ गया, 7 × 4 = 28 आ गया, बिल्कुल सही है। अब देखो यहां पे 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 48 आएगा,
तो 16 × 3 48, 16 × 5 80, 16 × 4 64, 64। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। बिल्कुल सही है निधि, आपका करेक्ट आंसर है। हाँ जी, वेरी गुड खुशी, बहुत बढ़िया। शर्मा, शर्मा जी, शिवम यादव, वेरी गुड, बहुत ही सुंदर, जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, मजा आ गया भाई, बहुत ही सुंदर। चलो, आशाराम चंदेल, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए, देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए आप क्या कह रहा है, बहुत ही सुंदर और आसान प्रश्न है, विद इन सेकेंड में कर सकते हो। समझ नहीं आया अनिल? अरे भाई क्यों नहीं समझ में आया मेरे दोस्त? सर मेरे ऐप में सभी चैप्टर के पीडीएफ नहीं है। सर ये देख करके बहुत अच्छा लगता है कि आपकी क्लास में स्टूडेंट बहुत कम जुड़ते हैं लेकिन सिलेक्शन बहुत होते हैं। अरे यहाँ पर वो स्टूडेंट जुड़ते हैं ज्यादातर है जो पढ़ने वाले होते हैं, लेकिन क्योंकि हम ज्यादा कॉमेडी मौज मस्ती नहीं करते, अगर हम थोड़ी सी मौज मस्ती बीच बीच में हंसी मजाक करते रहें तो आप लोग जुड़े रहोगे, इंटरटेन थोड़ा होता रहेगा तो आप लोग जुड़े रहेंगे, पढ़ने वाले भी जुड़ते हैं उसमें और कुछ मजे लेने वाले भी जुड़ जाते हैं बीच बीच में, ना मौज मस्ती होती रहती है तो। लेकिन हम क्या करते हैं, मौज मस्ती नहीं करते ज्यादा, तो इसलिए ज्यादा नहीं जुड़ पाते, ये हमें कमी है हमारे अंदर, ये मान सकते हो या कुछ और कह सकते हो, हंसी मजाक हमसे ज्यादा होती नहीं है, कारण ये है। चलिए इसको देखो, आप देखेंगे 8 × 6 = 48, 48 × 2 = 96, तो ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 × 6 × 2 तो कितना हो गया 96, ऐसे ही 15 × 2 = 30, 30 × 2 = 60, तो 15 × 2 × 2 15 × 2 = 30 × 60 हो गया आपका। आगे यहां देखो, 6 × 5 = 30 और 30 का कितने में मल्टीप्लाई करें कि भाई 120 हो जाए, तो 3 × 4 = 12, यानी कि आप 30 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 120, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है वो बी करेक्ट है, ठीक है। वेलकम वेलकम सबको, निधि ओके, बिल्कुल बिल्कुल यार सब निकालो, मैं तो कह रहा हूं सभी यहां पे जो देख रहे हैं मन लगा के पढ़ो, कहीं ना कहीं तो कामयाब हो ही जाओगे, है ना। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, इसके ट्रिक के साथ इसको सॉल्व करना है, अगर आप इसको एक एक करके ट्रायंगल काउंट करोगे तो पूरा दिन लग जाएगा काउंट करने में और आपका एक नंबर खराब हो जाएगा एसएससी जीडी में, एक क्वेश्चन खराब हो जाएगा। रजनीश, खुशी, अंजलि, प्रिया, सुधीर, वेरी गुड भाई, बहुत ही सुंदर, जोरदार। देखिए मेरे दोस्त, मैंने आपको कई बार बता रखा है, मैंने आपको बता रखा है कि भैया इस तरीके से कोई पैटर्न बना हुआ है तो उसमें 1 2 3 4 करके 4 × 2 में करते हैं तो 4 × 2 = 8, यहां पे 8 हो गए, तो देखो 1 2 3 4 तो 8 तो यहां हो गए, 8 यहां हो गए, 8 यहां हो गए, 8 यहां हो गए, तो 8 × 16 = 24, 8 × 32 तो ये हो गए, 32 तो यहां हो गए, ठीक है। उसके बाद देखो आप यहां से इसको मैं इधर से मिटा रहा हूं, 32 तो अंदर हो गए इसके, लेकिन इसके साथ साथ आप देखिए जब नया और ट्रायंगल मिल जाता है आपस में तो 8 ही इसमें होंगे लेकिन बीच में एक नया और बन जाता है, तो यहां से देखो एक नया ये बन गया हमारा 1, ठीक है, इसके जाने आने से 1 हमारा ये बन गया 2, 1 हमारा ये बन गया 3, 3 तो बन गए नीचे से, और 3 ही देखो उल्टा करके यहां से बनाओ 1, और उसके बाद यहां से 2 और 1 यहां से 3, तो कितने हो गए 3 ऊपर से 3 नीचे से 6, ये हो गए तो कितने हो गए 38 हो गए अभी तक 38। उसके बाद देखो जब हमारा ट्रायंगल इस तरीके से बना होता था ये वाला, तो हम कैसे करते हैं 1 और 2, 2 और 1 = 3 इसके अंदर है, तो देखो इसके अंदर कितने 3 और इसके अंदर है 3, ठीक है, 6 ये हो गए, 6 ये हो गए, तो कितने हो गए 38 और 6 44, तो इसका आंसर क्या होगा 44, 44 ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। देखा आपने ऑप्शन नंबर 2 है, 44 है, नहीं है ज्यादा, 44 है। शिवम का आंसर करेक्ट है, शिवांशिस का आंसर करेक्ट है, ओके, राजपूत भाई का भी आंसर सही है, अनुज का आंसर गलत आया है, सूरज यादव का सही है, और उसके बाद यहां पर नितिन सिंह का भी करेक्ट आंसर है 44, तो 44 इसके अंदर है, बताओ समझ में आ गए नहीं आए, यस और नो, कुछ नहीं करना आपको, बहुत आसान है निकालना, ठीक है, तो इसके अंदर है 44, दोबारा से एक बार काउंट कर लेना जब मैं पीडीएफ दे दूं आपको, तो ठीक है, दोनों ट्रिक बता दी है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका कथन निष्कर्ष का 18 नंबर का क्वेश्चन, देखिए जरा आंसर कीजिए 18 नंबर क्वेश्चन का,
42 आ रहे हैं सर, 44 कर दिए। अरे 42 नहीं, 44 है मेरे भाई। मेरा भी सहयोग है चंचल, आपका भी ठीक है। राजीव वाईटी यूट्यूब, प्रिया कुमारी, जय हिंद, बढ़िया है विशाल, आप कैसे हैं? पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम, टेलीग्राम किस नाम से है? टेलीग्राम है विदाउट स्पेस, बिना स्पेस, बिना आप बीच में स्पेस दिए लिखेंगे कंपटीशन गुरु GURUAPP, आप इस तरीके से पूरा सर्च करके लिख देंगे, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको सर्च करना। बहुत पीडीएफ है, तमाम पीडीएफ डाल रखी है, रीजनिंग की, जीके की, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, आराम से उन पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ते रहो, बहुत पीडीएफ डाल रखी है। इसमें लगभग 7 के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो आप भी उसमें जुड़ जाइए जल्दी फटाफट से। दूसरी बात, एक और छोटी सी आपको बात बताना चाहूंगा, अगले पेज पे पहले इसको स्क्रीनशॉट करें। देखो यहाँ पे सभी की वैल्यू क्या होती है, 150, और यहाँ पे कुछ की वैल्यू क्या होती है, 50-50, दोनों पॉजिटिव है, ये भी और ये भी। चेक करो, यहाँ पर सर्पिल कार्ड नहीं है, तो ये नेगेटिव है, गलत करो, हटाओ। उसके बाद गुफाएं कार्ड नहीं है, दोनों नेगेटिव है, दोनों गलत कर दो। उसके बाद देखो कार्ड गुफाएं, कार्ड और गुफाएं, तो कार्ड ये रहे, गुफाएं ये रही, दोनों की 50-50 वैल्यू, ये भी गलत कर दो, तीनों गलत है, ठीक है, तीनों गलत है, ओके, तीनों गलत है, तो सारे के सारे गलत है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही है, डी ऑप्शन करेक्ट है, वेरी गुड। तो डायग्राम वायग्राम नहीं बनाना, डायग्राम में तो पूरा दिन लग जाएगा बनाने में। अगर इसकी क्लास देखनी है तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना स्लॉगिज्म, स्लॉगिज्म मास्टर क्लास, स्लॉगिज्म मास्टर क्लास बाय विवेक सर, बाय विवेक सर, ऐसे करके सर्च करोगे तो आप वहां से इसको देख सकते हैं, स्लॉगिज्म मास्टर क्लास बाय विवेक सर, 3 घंटे 2.5-3 घंटे की क्लास है, उसको देख लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा 150 से, ठीक है। और वहां से पढ़ के कहीं और से देखने की आवश्यकता ही नहीं है। सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, कितना तो आसान प्रश्न था यार, समझ नहीं आया, दिख नहीं रहा, चश्मा लगाओ मेरी तरह। आप देखिए इसमें बी के विपरीत क्या होगा, बी के विपरीत क्या होगा, जल्दी बताओ। अरे मोनू भाई पीडीएफ दे देंगे, क्यों परेशान हो रहे हो, नहीं है पीडीएफ तो बताओ क्या करें। भाई साहब 44 थे, कितनी बार बताएं आपको, दोबारा काउंट कर लेना। इसमें बताओ कॉमन लेना है आपको, कॉमन ले लो, बी, बी यहां भी है, बी यहां भी है, बी से क्लॉकवाइज घूम जाओ, बी से क्लॉकवाइज, बी से क्लॉकवाइज जाने पर बी डी सी, यहां से बी एफ ई, तो देखो किसके अपोजिट पूछ रहा है, बी के अपोजिट, तो सी तो हो नहीं सकता, सी तो ई के अपोजिट है, डी हो नहीं सकता, एफ के अपोजिट है, जी पहले देखो, एफ, एफ भी नहीं हो सकता क्योंकि डी के अपोजिट है, तो बी के अपोजिट क्या होगा, जी, वेरी गुड, जी ऑप्शन करेक्ट है, जी, ठीक है, तो जी ऑप्शन नंबर डी है, जी ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, जोरदार, आगे बढ़े। नेक्स्ट, ये रहा खूबसूरत नगमा आपके सामने, बताइए। व्यावसायिक, व्यावसायिक यानी काम करने वाला, व्यवसाय करने वाला, व्यवसाय को ये मत सोचना कि बिजनेस करने वाला, व्यापार होता है बिजनेस, व्यवसाय का मतलब होता है काम करने वाला। आपका व्यवसाय क्या है, कोई कहेगा कृषि है, कोई कहेगा सरकारी है, कोई कहेगा प्राइवेट है। दूसरा, प्रमाणिक सरकारी लेखाधिकारी, एक ही है पूरा, प्रमाणिक सरकारी लेखाधिकारी एक ही है, फिर महिला, तो कौन सा डायग्राम इसका बनेगा, जल्दी से बताओ फटाफट, बिना देरी से, बिना देरी किए बताओ। अच्छा, जो स्टूडेंट यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई, उनके लिए कल एक वीडियो आने वाला है, सुबह 10 बजे एक वीडियो आने वाला है, और वो वीडियो होगा कथन और तर्क का, कथन तर्क का, कथन तर्क में मैंने 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं, 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, तो यूपीएसआई वाले भाई सब देख लेना, उस क्लास को शेयर कर देना दबा के, ठीक है। कल 10 बजे क्लास आ जाएगी, रिकॉर्डेड क्लास होगी, पेड बैच की मैंने उठा के आपके लिए फ्री डाल रहा हूं उसको, ठीक है, तो कल देख लेना सुबह 10 बजे। नेक्स्ट, आगे देखिए, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट है। अबे कैसे डी, महिला बीच में, कभी कुछ, ये तो मामला खराब कर देते हो तुम यार। देखो यहां पर आप समझिए कि बीच में जो आएंगे वो आएंगे कौन, व्यवसायिक, ये व्यवसायिक हैं, जो व्यवसाय मतलब काम करते हैं, और गलत, अंदर आएंगे यहां पर कौन, प्रमाणिक सरकारी लेखाधिकारी, और सारे के सारे क्या होते हैं, व्यवसायिक होते हैं, काम करने वाले होते हैं, व्यवसायिक, ठीक है।
तो हम ये कह सकते हैं कि सभी जो प्रमाणिक सरकारी लेखा अधिकारी हैं वो सब क्या होते हैं, व्यवसायिक होते हैं, और इनमें से कुछ महिलाएं भी हो सकती हैं। तो ये महिलाएं हैं, महिला महिला, तो कुछ महिलाएं तो वो हो सकती हैं जो प्रमाणिक सरकारी लेखा अधिकारी हैं, ठीक है, और कुछ महिलाएं व्यवसायिक होते हैं। व्यवसाय और भी तरह के हो सकते हैं, व्यवसाय कृषि करना भी व्यवसाय है, पुलिस की नौकरी व्यवसाय है, रेलवे की नौकरी व्यवसाय है, ठीक है। एक व्यवसाय का आता है ना, जब शायद आप लोग जब कोई फॉर्म भरा होगा तो उसमें लिखा होता है आपका व्यवसाय क्या है, व्यवसाय क्या है, तो आप भरते हैं उसमें व्यवसाय क्या होता है। तो व्यवसाय में कोई भरता है, भैया हमारे पिताजी कृषि करते हैं, जब वो मिलता है ना हमें क्या वजीफा मिलता है, स्कॉलरशिप। तो स्कॉलरशिप में अगर किसी के पिताजी खूब ठीक ठाक ठेकेदार भी है ना, और खूब कमाते हैं 50,000 भी महीने का, तब उसमें क्या लिखोगे तुम, कृषि, पिताजी हमारे कृषि करते हैं, क्या पता 5-6 हजार रुपये हमें मिली जाए, ऐसा करते हैं। मैंने भी करा ऐसा कई बार। देखिए इस क्वेश्चन को करिए फटाफट से, इसका आंसर कीजिए, बताएं इसका, थोड़ा ऊपर कर देता हूं यहां, इसकी जरूरत नहीं है। ये कह रहा है कि इस फिगर को कौन सा कंप्लीट करेगा, बताओ बताओ जल्दी से बताइए क्या होगा इसका कंप्लीट, इसको कौन सा फिगर करेगा, इसको कंप्लीट करने के लिए ये आकृति जाएगी यहां से और ये कंप्लीट करेगी नीचे इसको, ठीक है, और फिर एक आकृति यहां से जाएगी और इसको कंप्लीट करेगी ये इस तरीके से। देखो कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए तो है, ए ऑप्शन करेक्ट है, वेरी गुड सूरज, नितिन बहुत बढ़िया, जोरदार, चंद्रवीर, करीना, शर्मा जी इसको बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऊपर करने की आवश्यकता है क्या, कर दो चलो। ये आकृति कहां छिपी बैठी है बताओ, बोलो जल्दी से बोलो भाई, ये आकृति कहां है, कहां हो तुम बताओ, बोलो। अरे भाई इसकी आकृति ये है, देखो यहां से ये छिपी इधर से आ रही है और फिर, अरे यार ज्यादा हो गया लंबा, ये यहां से ये आकृति इस तरीके से आ रही है और फिर देखो सीधी जा रही है यहां से और फिर यहां से ये इस तरीके से कट रही है, ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पेपर कटिंग है, पेपर कटिंग, पेपर कटिंग है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए, बहुत सुंदर है, विद इन सेकेंड में आंसर कर सकते हैं। देखिए नहीं, मैंने तो किया है कई बार, मैंने 9th, 10th, 11th में जो स्कॉलरशिप लिया है वो ऐसे ही पिताजी कृषि में लिखते हैं, और कई बार मैंने जो है अपना जो आय प्रमाण पत्र होता है, ये बहुत पुरानी बात है, जब छोटे छोटे थे, आय प्रमाण पत्र भी मैंने बहुत ही कम का बनवाया था, जो है उसको देते थे ना, कुछ बात बन जाती थी, जानकार था दादाजी का, जो पटवारी वगैरह होते हैं, लेखपाल वगैरह होते हैं जो बनाते हैं उसका, तो वो बहुत कम में बनाते थे, बना दो वजीफा मिल जाएगा 2-4 हजार, तो बड़ी खुशी मिलती थी उस वजीफा को, क्योंकि उस पर घर वालों का हक नहीं होता था, उस पर क्या था हमारा ही हक था वजीफा पे, तो बड़ा मजा आता था उस समय पे। अगर 1,000-1,500 रुपये मिल जाए आपको, समझ लो कि करोड़ों रुपये मिल गए, है ना। एक छोटा सा मोबाइल लिया था मैंने उस समय, फिर जब 9th क्लास में था, छोटा सा कुछ, तो जन्मदिन था तो उस जन्मदिन में मेरे को गिफ्ट मिले थे 1,000-2,000 रुपये, और 1,000-2,000 रुपये का वजीफा आया था, तो फ़ोन लिया था मैंने बहुत छोटा सा चाइना का, उसमें केवल एक कैमरा था 0.2 मेगापिक्सल का, जिसमें केवल अगर इस तरीके से फोटो खींचो तो एक ही आंख आती थी पूरे कैमरे के अंदर। देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं अच्छे तरीके से कि जब ऊपर करेंगे इसको कंप्लीटली ऐसे हो जाएगा और फिर इसको इधर खोलेंगे तो ये इस तरीके से यहां बन जाएगा। तो पहली बात तो दोनों आपके ऐसे होने चाहिए ना, तो यहां पर है ना, ना यहां पर तो है दोनों तरफ। उसके बाद देखो यहां से ये ट्रायंगल यहां पे ऐसे करके शेप बनेगी, ठीक है, और ये जो यहां से ऐसे करके दिख रहा है वो आपका जो है वो यहां बनेगा इस तरीके से, ठीक है। और आगे देखिए आगे देखिए आप, तो यहां पर जो है कंप्लीट ये ऊपर से हो जाएगा नीचे, ठीक है, और यहां से ये इधर हो जाएगा, यहां से ऊपर करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, यहां से ये ऐसे कंप्लीटली बंद हो जाएगा,
तो कौन सा बन रहा है, और ये ट्रायंगल यहां से नीचे की तरफ हो जाएगा, नीचे की तरफ, तो ऑप्शन नंबर ये है तीसरा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। नहीं, हमें जब मैंने वो फोन लिया था तब चाइना के चले थे कि भाई इसके अंदर इतने 20 स्पीकर आते हैं, फोन के अंदर स्पीकर होते हैं ना, स्पीकर पीछे, तो इतना बड़ा होता था वो, बड़ा सा फोन इस तरीके का बना हुआ, और उसके अंदर एक लंबी सी एक वो आती थी पेन चलाने के लिए, और यहां तक होते थे उसमें नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे करके। हम क्या करते थे कि हमारे पास इतने तो औकात नहीं थी कि इतना बड़ा फोन ले लें, हमने छोटा सा लिया था चाइना का, उसमें गाने चलते थे और बहुत ही छोटा सा कैमरा था, तो उसे जेब में रखने से पहले रूमाल लगा देते साइडों में, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके घुमा घुमा के, तो मतलब सामने वाले को ये लगे वो बड़ा फोन है जेब में, बड़ी खुशी मिलती थी ना, लेकिन जब निकालते नहीं थे उसे किसी के सामने, लेकिन घंटी लगवाते थे दूसरे से कि भाई तू जो है रिंग लगा मेरे पे, फोन आ रहा है, तो जब आवाज आती थी तो बड़ा खुशी मिलती थी, अब फोन आ गया हमारे पास, तो ये हाल था हमारा। तो पता नहीं आपका कैसा था, अब तो छोटे छोटे बच्चों को ही फोन दे देते हैं हाथों में। देखिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए, इसको करिए सॉल्व जल्दी से, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, बताइए बोलो बताइए इसका आंसर। अब तो सुबह सुबह छोटे छोटे बच्चे उठते हैं ना, जैसे तक्ष है, सुबह उठते ही उसको फोन चाहिए, सुबह उठते ही त्या त्या उससे खेलेगा, चाहे उसे घर के ना दिखाई दे एक बार को, पर फोन दिख जाए, है ना। देखिए इसमें देखें, अगर आप इसको अगर आप मिरर में देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, इसमें क्या चेंज होगा, इसमें चेंज होगा जो ये भाई इधर की जो लाइन है इधर जा रही है वो इधर आ जाएगी अब की बार, ठीक है, और जो इधर है वो इधर आ जाएगी, और इधर है वो इधर आ जाएगी, ठीक है, और इसी कॉपीराइट इस तरीके से बन जाएगा, और फिर ये परसेंट का निशान ऐसे बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर एक में ही है ऐसा, ठीक है, क्लियर है। अरे मेरे भाई मोनू, अब क्या चाहता है, क्या करूं बता, है पीडीएफ नहीं है, मैं डलवा दूंगा, जब तेरे से 4 बार बोल दिया मैंने इसी क्लास में, अब बार बार कमेंट करने से तेरा क्या हो जाएगा, क्या मैं पीडीएफ डलवा दूंगा तू बार बार कमेंट करेगा मेरे भाई, एक बार तूने कमेंट कर दी मैंने देख ली बस बस, ठीक है। अरे नहीं रुक रही वीडियो, तो यार ठीक चल रही है वीडियो, रुक रही है क्या। चलिए अब इसमें आपको क्वेश्चन जो है ये घर के लिए है, घर इन द सेंस आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है, TRAY। अब मैं उन स्टूडेंट के नाम बोलता हूं जो कल की क्लास में थे और जिन्होंने कल की क्लास में आंसर किए थे, अरे क्या हुआ। चलिए तो देखिए यहां पर हैं काजल खन्ना, आरजू, उसके बाद हैं सन्नी, आशाराम, शिवम और मंटू, उसके बाद रणदीप, रमनदीप, और एक है रामदीन, अंजलि, दशरथ, इन स्टूडेंट ने कल की क्लास में आंसर किए थे, और आज आपको ये फिर से इसका सॉल्व करके आपको कमेंट में आंसर करना है, कमेंट में, और टाइम से आया करो, डेली क्लास हमारी रात 8 बजे होती है, 8 बजे शाम को, रात को, ठीक है, तो सभी आ जाया करो, और कल मुलाकात करेंगे अब आप लोगों से, और क्लास अगर अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कर दें सभी जितने स्टूडेंट देख रहे हैं, और अगर जिन स्टूडेंट को भी रीजनिंग स्पेशल का बैच लेना है और वो सारे के सारे भाई बैच ले सकते हैं, और किसी को अगर मुझे फॉलो करना है इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम हमारा जो है एक चैनल है जिसपे हम अपने फोटो वगैरह शेयर करते रहते हैं, प्राइवेट पर्सनल फोटो, प्राइवेट नहीं मतलब पर्सनल फोटो, मतलब अपने फोटो, प्राइवेट तो नहीं करेंगे शेयर। देखिए रुक 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 कर चल रही है, अरे यार नहीं रुक रही यार, क्लियर चल रही है, तो आप कैसे कर सकते हैं मुझे फॉलो करने के लिए, आप लिखेंगे इंस्टाग्राम पे CG विवेक
चौधरी, CHAUDHARY विदाउट स्पेस, कहाँ पे? इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम आप इस पे फॉलो कर लो सभी भाई, ठीक है। चलिए धन्यवाद सबको, बहुत बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का, बहुत बहुत आशीर्वाद। खुश रहिए, दुरुस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर।